नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब आनंद में होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने हर एक वीडियो के साथ यही प्रयास करते हैं कि हम आपको जीवन में खुश रहना सिखा सके। जीवन में आनंद खोज लेना कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये केवल वही व्यक्ति जानता है जिसने आनंद की अनुभूति की है। हमारे वीडियोस इसलिए आपके जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी वह उपलब्धि हासिल कर सके। चलिए, ये तो थी आनंद की बात। अब हम जरा आज के अपने वीडियो के विषय पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम मशहूर ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित प्रचलित किताब द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की बात करने वाले हैं। यूं तो आप में से अधिकतर लोग इस किताब के बारे में जानते ही होंगे, मगर कभी कभी हम किताबें पढ़ने के बाद उनसे सीखने वाली बातें वक्त के साथ भूलते चले जाते हैं, है ना? तो क्यों ना एक बार फिर मर्फी की इस प्रभावशाली किताब के कुछ अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला जाए। ये किताब बड़ी ही चमत्कारी है, जिसका जिक्र हर जगह किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस किताब ने हमारे अवचेतन मन की ऐसी ताकत के बारे में हमें बताया है जिससे हमारी जिंदगी पलट सकती है। अगर आप इस किताब से मिलने वाली सीख को जीवन में उतार लेंगे तो यकीन मानिए, आप वह पहले वाले इंसान नहीं रह जाएंगे। आप एक सफल, स्वस्थ और खुशहाल रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, और ऐसा कौन नहीं बनना चाहेगा, है ना? इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए सच में खास होगा, एक बदलाव सुनिश्चित करने वाला वीडियो। तो आप तैयार है ना उन 10 सीख को नोट करने के लिए? आज के इस वीडियो में हम भले ही पूरी किताब का जिक्र न करें, लेकिन इस किताब से मिलने वाली 10 सीख पर हम जरूर विस्तार से बात करेंगे, ताकि भले ही आपने ये किताब ना पढ़ी हो, लेकिन इस किताब का असल ज्ञान आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर, अगर आप ये किताब पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपको इससे सीखने वाली बातें एक बार फिर याद आ जाएंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक रहना ना भूलें। इससे पहले चलिए आपको संक्षिप्त में जरा द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड और डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। डॉक्टर मर्फी एक बहुत ही जाने माने ऑथर रहे हैं, जिनकी किताब द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड ने लोगों को अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को पहचानने में मदद की है। तो आखिर इस किताब में मर्फी ने ऐसा क्या लिखा है? मर्फी द्वारा लिखी ये किताब आपको अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की जानकारी देती है। ये बताती है कि कैसे आपके कॉन्शियस माइंड से ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। अगर आपको दोनों के बीच का अंतर समझाएं, तो आपका कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है आपके दिमाग का जिसके बारे में आप अवेयर हैं यानी जागरूक हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हैं। इसे दूसरे तरीके से समझाएं तो दिमाग का वह हिस्सा जिससे आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं या अपनी 5 इंद्रियों द्वारा जानकारी लेकर जहां आप विचार करते हैं, वह भाग आपका कॉन्शियस माइंड है। वही जहां आपके दिमाग में विचार जाकर स्टोर हो जाते हैं, वह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब जरा दोनों की ताकत पर भी ध्यान देते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारे ऊपर केवल 5% ही कंट्रोल रखता है, वहीं दूसरी ओर सबकॉन्शियस माइंड हम पर 95% कंट्रोल रखता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी चीज पर विचार करना आपके कॉन्शियस माइंड का काम है, लेकिन आपकी भावनाएं, आदत इत्यादि ये सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुए विचारों से बनते हैं। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड के उसी हिस्से की ताकत के बारे में बात करता है जिसका कंट्रोल आप पर 90% से ज्यादा होता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए मर्फी की किताब से मिली 10 सीख के बारे में बात करते हैं। पहला, यकीन करने की ताकत। सबसे बड़ी जो सीख डॉक्टर मर्फी की किताब द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड से मिलती है वह ये है कि जिस भी विचार को आप अपने अवचेतन मन में डाल देते हैं, वह उस पर यकीन करने लगता है और उसे वह आपकी हकीकत बनाने में जुट जाता है। यानी अगर आप अपने अवचेतन मन में ये बात डाल देते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो वाकई में आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगेगा जिससे आप सफल हो सकें, क्योंकि वह आपके विचार पर यकीन करता है।
ऐसा नकारात्मक विचारों के लिए भी सही है। जब आप अपने अवचेतन मन में ये बात डाल देते हैं कि आप असफल ही होंगे तो ऐसा ही होगा, इसका सीधा सा अर्थ ये है आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, बस जो विचार उसको मिलते हैं उसे वह सच मान लेता है। तो क्या आपके अवचेतन मन की इस ताकत का इस्तेमाल कर अपने जीवन को नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। दूसरा, अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं। अब अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें 90% कंट्रोल करता है और वह तर्क नहीं करता हमारी बातों में, तो आप उसमें जो भी बात डालेंगे वह उसे सच मानकर काम करने लगेगा, है ना? तो अवचेतन मन तक बात डालने का कौन सा तरीका कारगर है? इसके बारे में भी मर्फी ने अपनी किताब में बताया है कि कैसे अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बातें डालकर आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आप जब पॉजिटिव अफर्मेशंस बार बार खुद को कहते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उनको डालते चले जाते हैं, जिसके बाद आपका अवचेतन मन उसे सच समझकर वैसे ही काम करने लगता है। मान लीजिए आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को हमेशा बार बार कहते जाएं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसके बाद ये अफर्मेशंस धीरे धीरे आपके अवचेतन मन तक चले जाएंगे और आप इनका असर अपने जीवन पर खुद देख पाएंगे। ध्यान रहे, अफर्मेशंस करते वक्त उन्हें महसूस करना बहुत जरूरी है। तीसरा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका गुलाम है। एक गुलाम कैसा होता है? वह आपकी दी हुई आज्ञा का बस पालन करता है। आपके बातों पर कोई तर्क नहीं करेगा कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, है ना? दोस्तों, आपका अवचेतन मन भी आपका बिल्कुल वैसे ही गुलाम बन सकता है, बस आपको अपनी आज्ञा उस तक पहुंचानी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी तर्क किए बिना बस आपकी आज्ञा मानता है। आप चाहे उसे नकारात्मक बात कहें या सकारात्मक बात, वह सबको सच मानकर चलता है। तो ऐसे गुलाम को अपना हित करने वाला सेवक बनाइए। खुद के लिए अच्छा सोचिए और कहिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक केवल अच्छी बातें जाएं। आपका जीवन ऐसा करने से सचमुच बदल जाएगा। आप खुद को जैसा बनाना चाहते हैं केवल वैसी बातें खुद को कहें। चौथा, विजुलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की ताकत जान जाते हैं कि उसे बस आपकी आज्ञा की जरूरत है उस पर काम करने के लिए, तब आप ये जरूर सोचेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो आपके अवचेतन मन तक आपकी मनचाही बात पहुंचा सके। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड किताब आपको उन तरीकों के बारे में भी बताती है। अफर्मेशंस के अलावा आप विजुअलाइजेशन की भी सहायता ले सकते हैं। इसमें विजुअलाइजेशन भी आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। आपके बोलने वाले शब्दों के साथ साथ आप अगर अपने दिमाग में कोई छवि बनाते हैं तो वह भी आपके अवचेतन मन में उतर जाता है, जिसके बाद आपका अवचेतन मन ऐसे काम करने लगता है जिससे वह उस छवि को सच बना सके। इसके लिए आपका बार बार उस चीज के बारे में विजुअलाइज करना जरूरी है। पांचवा, सकारात्मक ऊर्जा रखें। मर्फी की किताब द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एक और बात जिस पर गौर करने के लिए कहती है, वह है आपकी सकारात्मक ऊर्जा। आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। अब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कैसे कर सकते हैं? आप अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा महसूस कीजिए। इन सब से आपकी ऊर्जा सकारात्मक होने लगेगी। दूसरी ओर, ऐसा करने से आपके अवचेतन मन में जो भी जाएगा वह केवल सकारात्मक ही जाएगा और उसे आपकी हकीकत बनने में आसानी होगी। इसलिए अपने आप को सकारात्मक बनाएं, ताकि आपका अवचेतन मन आपको सकारात्मक हकीकत दे। छठा, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। इसे आप ब्रह्मांड की अद्भुत ताकत नहीं तो और क्या कहेंगे कि आपका अवचेतन मन आपके लिए हकीकत बना सकता है बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। बस आपको अपने अवचेतन मन की इस ताकत पर यकीन करने की जरूरत है और ये भरोसा करने की जरूरत है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। ना केवल एक कनेक्शन बन जाता है आपके अवचेतन मन का ब्रह्मांड के साथ, बल्कि दोनों के बीच संवाद भी होने लगता है, जिससे ब्रह्मांड ये जान जाता है कि आप क्या चाहते हैं।
अगर आप इन सब को अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मांड और अपने अवचेतन मन की इस ताकत पर यकीन करना होगा। सातवां, अपने भय से ऊपर उठें। मर्फी की किताब द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने भय से ऊपर उठने की भी सीख देती है। किसी भी तरह का भय, संदेह इत्यादि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर जगह बना सकते हैं। अब क्योंकि आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, इसलिए वह आपके भय या संदेह को सच मानकर उसे हकीकत बनाने में लग सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप भय, संदेह जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें, ताकि ये आपके अवचेतन मन तक रास्ता ना बनाए। खुद को अच्छा सोचने की आदत डालें, क्योंकि आपके अवचेतन मन को आप कोई गलत निर्देश नहीं देना चाहते होंगे, है ना? ये केवल आपका बुरा ही कर सकता है, इसलिए अपने भय से ऊपर उठकर सोचें और भय दूर करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का सहारा लें। आठवां, खुद पर जिम्मेदारी लेना सीखें। दोस्तों, जब आप ये महसूस करें कि आपकी हकीकत यानी रियलिटी अच्छी नहीं है, तब आपको अपने ऊपर ध्यान देकर देखना होगा कि आप क्या क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि यही सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपकी हकीकत बनता है। इसलिए आपको अपने विचारों की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी रियलिटी अच्छी नहीं है तो हो ना हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें नहीं जा रही हैं, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदारी लेकर अपने जीवन को बदलने का काम करें। ये सुनिश्चित करें कि आपके अवचेतन मन में केवल अच्छी बातें ही जा रही हैं या नहीं। नवा, आपके अवचेतन मन में हील करने की ताकत है। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड आपको सबसे सुंदर जो सीख देती है वह है आपके हील करने की ताकत। ऐसा कौन होगा जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता होगा? कोई नहीं। हम सब स्वस्थ रहने के हकदार हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील भी कर सकता है? ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो आपके नकारात्मक सोच से बनती हैं, जैसे डिप्रेशन या अन्य कोई मानसिक और शारीरिक बीमारी। ये सब आपको परेशान इसलिए करती हैं क्योंकि आपके अवचेतन मन में कुछ बुरा घर कर चुका होता है। लेकिन जब आप सकारात्मक हो जाते हैं तो आपके मानसिक और शारीरिक परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो जरा इसे आजमा कर देखिए कि आपकी सकारात्मक सोच आपकी कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर देती है। दसवां, आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं है। भले ही आपका कॉन्शियस माइंड आपके साथ सो जाता है, लेकिन द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड कहती है कि आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। जी हाँ दोस्तों, जब आप सो चुके होते हैं तब भी आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है उन चीजों पर जो आपने उसमें जाने या अनजाने में डाली होती हैं। इसलिए अगर आप सोते वक्त सकारात्मक विचारों के साथ नींद में जाते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं। उसके बाद आपका अवचेतन मन पूरी रात उन विचारों पर काम करता है, जिससे उसके हकीकत बनने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो क्या ये एक अद्भुत ताकत नहीं है आपके अवचेतन मन की? बिल्कुल है, और इसका आपको लाभ भी उठाना चाहिए। दोस्तों, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड यूं ही एक प्रचलित किताब नहीं बनी, बल्कि इसमें मिलने वाली हर एक सीख अपने आप में लाजवाब है। ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि हमारी आज्ञा पर हमारी जिंदगी चले? हर कोई ये चाहता है, लेकिन हम में से बहुत लोग ये जानते ही नहीं हैं कि हमारी दुनिया को हम खुद बनाते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हम अपने मन के गुलाम नहीं, बल्कि हमारा मन हमारा गुलाम बन सकता है। बस जरूरत है तो अपने अवचेतन मन की इन छुपी खूबियों को पहचानने की। आपको बस अपने अवचेतन मन को काबू करना है और उसमें सकारात्मक विचार डालने हैं, क्योंकि तभी वह आपकी हकीकत बन पाएंगे। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड न केवल आपके अवचेतन मन की ताकत का जिक्र करती है, बल्कि अवचेतन मन तक आपकी मनचाही बात पहुंचाने का तरीका भी बताती है। आपको बस इन्हें अपने भले के लिए इस्तेमाल करना है और ये सच में आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आज से ही अपने अवचेतन मन के साथ अपना कनेक्शन जोड़ें और उसके भीतर नकारात्मक विचारों के बदले सकारात्मक विचार दें। ये आपकी दुनिया बदल कर रख देगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम दोबारा लौटेंगे आपके लिए कुछ और खास लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जीवन का आनंद लें।